नासा ने आज से एक साल पहले ये लूसी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था, जो कि जुपिटर के आगे और पीछे चलते एस्टेरॉइड्स के झुंड की जासूसी करेगा, जिससे हमें जुपिटर की बनावट के सबूत मिलेंगे। लेकिन इतना फ्यूल नहीं था कि सीधा जुपिटर भेज सकें, इसीलिए नासा ने इसे सूर्य की ऑर्बिट में भेजा, जो कि आज एक साल होने पे अपनी परिक्रमा पूरी करते हुए वापस पृथ्वी की तरफ ग्रेविटी असिस्ट लेने आया है। ग्रेविटी असिस्ट क्या है? यानी ग्रेविटी की मदद लेना। जैसे आसान भाषा में, जब गाड़ी पहाड़ से नीचे उतरती है तो कैसे ग्रेविटी की मदद से उसकी रफ्तार बढ़ती है, उसी तरह लूसी भी पृथ्वी की ग्रेविटी की मदद लेते हुए अपनी रफ्तार और ऑर्बिट बढ़ाएगी और फिर वापस दो साल बाद 2024 में एक और ग्रेविटी असिस्ट लेकर सीधा जुपिटर के आगे वाले एस्टेरॉइड झुंड L4 की जासूसी में निकल जाएगी, जिसके बाद वापस घूमते हुए 2030 में पृथ्वी की मदद से जुपिटर के पीछे चलते एस्टेरॉइड झुंड L5 की खोज में निकलेगी। तो क्या इसी तरह अपने मंगलयान ने भी ग्रेविटी असिस्ट लिया था? बिल्कुल सही। अब बताइए कितनी बार लिया था।